आप लोगों किसी को कोई फोल्डर शेयर करना तो आप कैसे करेंगे? व्हाट्सएप की मदद से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मेरा व्हाट्सएप यहाँ पर वेब व्हाट्सएप ओपन है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आपको एक फोल्डर को आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि गणेश प्रैक्टिस नाम से एक फोल्डर है, यहाँ पर वो बहुत सारे फाइल्स है, इसको आप लोग कैसे शेयर कर सकते हो? तो सबसे पहले आप लोगों को सिंपली जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद कंट्रोल टैब दबाना है। जैसे आप कंट्रोल टैब दबाओते हैं न्यू टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद डालना है देना है यहाँ पर विन आर आर। जैसे डालोगे आप यहाँ पर पहले साइट आ जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर देना है। सिंपली यहाँ पर जाना है डाउनलोड के सेक्शन पर। जैसे आप डाउनलोड की जाएंगे यहाँ पर आप लोगों को विंडोज 64 बिट के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है ऊपर, और आपको जे डाउनलोड के लिए चला जाएगा। तो आपको कंट्रोल जे दबाना है। कंट्रोल जे जैसे दबाएंगे तो आप सीधा डाउनलोड पर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपली ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर यस कर देना है सिंपली। उसके बाद आप लोगों को सिंपली इसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा, ओके क्लिक कर देना है और जैसे डन कर देना है इसको। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो HTML का है यही ले लेता हूँ मैं, उसको भी मैं WinRAR कर लेता हूँ, वो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दूंगा तो हो भी गया दोस्तों। देखते देखते चला, पता भी नहीं चला कैसे हो गया। तो दोस्तों सिंपली मैं व्हाट्सएप पर जाऊँगा, यहाँ पर सिंपली डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद डेस्कटॉप पर जाऊंगा। डेस्कटॉप पर जैसे जाऊंगा तो आपको फोल्डर मिल जाएगा HTML का, और इस तरह से आप लोग एक फोल्डर को शेयर कर सकते हैं HTML जिप कन्वर्ट कर करके। तो दोस्तों ये आप मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है जिप में। तो आप मैं इसको अनजिप भी कैसे करना है वो भी बताता हूँ। यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करना है और एक्स्ट्रा हेयर कर देना है। जैसे एक्स्ट्रा हेयर करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक फोल्डर, इसलिए यस बोला था, मैंने यस कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फोल्डर है आ गया वापस फिर से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता नहीं चला कैसे हुआ तो मैं इसको सिंपली डिलीट करके भी बताता हूँ। ये ओपन है इसलिए डिलीट नहीं होगा, इसको सिंपली मैं पहले क्लोज कर देता हूँ, अब ये डिलीट होगा। दोस्तों ये और भी कहीं ओपन है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर